नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर। जैसे हमारी नई नई रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से हमारे कंट्रोलर भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा कंट्रोलर नया नहीं है, पुराना ही है, यूटीसी 2202G मल्टी स्पैन का है। इसमें जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे पास में दो रिले हैं, दोनों अलग अलग ऑन होती हैं, और जो आउटपुट के हिसाब से हम कॉन्टैक्टर और एसएसआर को दोनों को इसके हिसाब से हम होल्ड करा सकते हैं। इससे हम एसएसआर को भी चला सकते हैं और कॉन्टैक्टर रिले को भी चला सकते हैं। इसकी जो सेटिंगें हैं मैं उनको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा, हमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है और हम इसको कैसे यूज करें और इसके जो एरर हैं, जैसे हमें बिना देखे ही साउंड से या किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस से हमें पता चल जाए कि हमारा टेम्परेचर सेट वैल्यू से ओवर जा रहा है या फिर डाउन है, दोनों ही कंडीशनों में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने टेम्परेचर को 50 डिग्री पर सेट कर लिया। अगर हमारा टेम्परेचर 55 होता है फिर भी इंडिकेट करे और 45 होता है फिर भी इंडिकेट करे, हम जितनी वैल्यू पर हम चाहते हैं, जितना टॉलरेंस हम चाहते हैं उतना सेट करते हैं, और उसके बाद हमें इसी टेम्परेचर के बारे में पता चल जाए कि हमारा टेम्परेचर ओवर जा रहा है या फिर लेस में है, जिसे हम कंट्रोलर और इसको ठीक कर सकें। दोबारा हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ऐसा क्रिएट हुआ है, टेम्परेचर हाई या लो हुआ है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी कंट्रोल करके ठीक कर दें। तो दोस्तों, आपका टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर नए हो, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने इसको बताया, इसका मॉडल नंबर UTC 2202G, इसका मेक है मल्टी स्पैन। पहले बात करेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में जो इस पर बना हुआ है। ये इसका डायग्राम, एक और दो लाइन है जो इसकी सोर्स है, 100 वोल्ट से 270 वोल्ट एसी, 50 से 60 हर्ट्ज़ 4 वोल्ट एम्पेयर। ये रिले है, फर्स्ट रिले इसकी कॉमन, एनओ और एनसी। ये जो आउटपुट है इसकी एसएसआर आउटपुट, ये एसएसआर का प्लस और ये माइनस। दूसरी तरफ का सर्किट डायग्राम देखेंगे, ये दूसरी तरफ का है, ये हमारा सेंसर की इनपुट है। इसमें हम सेंसरों को, जो भी हम सेंसर लगाना चाहें, जे के टाइप पी टाइप, इसमें लगा सकते हैं। और ये हमारी सेकंड रिले है, कॉमन एनओ और एनसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी सेटिंग की। तो ये है हमारा कंट्रोलर और इसमें क्या क्या सेटिंगें हैं जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसका यूज कर सकें। तो ये एक पूरा पीएलसी हमारा प्रोग्राम मान लो आप, तो ये हमारा प्रोग्राम, यहाँ जो हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसमें प्रोग्राम करेंगे। जैसा आप देख रहे हो सेट वन पर, सेट वन पॉइंट है फॉर आउटपुट वन के लिए, जो हमारे जो आउटपुट वन है, जो रिले वन है, उसके लिए है सेट वन पॉइंट। और दूसरा हमारा सेट पॉइंट टू फॉर आउटपुट टू, जो हमारी सेकेंड रिले है उसके लिए है। हम ये दोनों सेट कर देंगे,
और लो 7.1 हाई से, जो हमने हाई रखना है और लो रखना है, ये दोनों सेट पॉइंट है। लो सेट पॉइंट यहाँ, ये सेकंड पर आ गया और हाई आ गया सेकंड पर, ये फर्स्ट के हैं और ये सेकंड के हैं। पासवर्ड है इसमें अंदर एंट्री करने के लिए, फिर इनपुट सेंसर हमें कौन सा लगाना है, जेके टाइप जो भी हम चेंज करेंगे यहाँ। सॉक पासिंग और ये रिमेनिंग टाइम नॉर्मल जो हमने रखना है, सेट पॉइंट लो हाई ऑफसेट। ऑफसेट पे क्या है हमारा, इसमें एक खासियत और है, जैसे हमने जहाँ भी लगा रखा है हम ऑफसेट भी इसको सेट कर सकते हैं वैल्यू के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने 50 डिग्री सेट कर दिया, जो टेम्परेचर कंट्रोलर में शो कर रहा है हमारा 50 डिग्री, लेकिन हमने जहाँ लगा रखा सेंसर, डाई में, किसी मोल्ड में या कहीं भी रिकॉर्ड जाने के हिसाब से, जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है, वहाँ 50 नहीं 45 ही है, तो यहाँ भी हम इसमें ऑफसेट पर सेट कर सकते हैं, ये भी 45 ही शो करेगा। फिर अगर 50 करेंगे तो ये फिलअप करेगा, 5 डिग्री इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ भी 50 होगा जहाँ हमने सेंसर को लगा रखा है, और कंट्रोलर में भी शो करेगा। अगर हाई लो दिखाता है, अगर यहाँ हमारा 50 दिखा रहा है और सेंसर हमने यहाँ लगा रखा है, वहाँ 55 है टेम्परेचर, जो एक्चुअली हम एक्चुअल किसी डिवाइस से अगर चेक करते हैं, तो हम वहाँ कंट्रोलर में ऑफसेट सेट करके हम 50 ही डिग्री दिखा सकते हैं। 55 कर देंगे, फिर वो रिकमांड देनी बंद कर देगा और वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हम यहाँ ऑफसेट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बाकी हमें जो आउटपुट चाहिए हम उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं, साइकिल का टाइम, पीआईडी, एक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें रिक्वायर्ड के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसे हम कूलिंग और हीटिंग दोनों पर यूज कर सकते हैं, उसमें हमें डालना पड़ेगा कूल के लिए या हीट के लिए, हम दोनों इसमें कूलिंग ऑन टाइम और कूलिंग ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रोग्राम बाई प्रोग्राम, जो इसके ये डिस्प्ले पर ये वैल्यू शो करेगी जैसा आप देख रहे हो यहाँ, और उसका जो मैनुअल है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ क्लियर डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है, हम इस चीज़ के इसे क्लियर कर देंगे। जैसे कूलिंग वाला मोड था, तो यहाँ कूलिंग मोड पर और हीटिंग मोड पर ये दोनों ऐसे शो करेगा, हम जौन सा सेलेक्ट करना चाहें उसे कर सकते हैं। तो जितना आवर्स मिनट्स वगैरह हमें चाहिए उसे कर सकते हैं, सारी सेटिंगें हम कर सकते हैं। जो हमें जो इंडिकेटर है अलार्म का, जो टाइम है कितने सेकंड के लिए चाहिए और कितना सेकंड के बाद में वो इंडिकेट करना चालू कर दे, तो इसमें हम सारा प्रोग्राम भर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस हमारे, मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस कंट्रोलर में हम दोनों रिलेओं को अलग अलग यूज कर सकते हैं और इसका इंडिकेशन हम ले सकते हैं अलग अलग, हाई और लो टेम्परेचर दोनों पर ये बताएगा। और हम इसके प्रैक्टिकल के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इसकी सेटिंग करके दिखाएंगे क्या क्या सेटिंग है और कैसे सेटिंग हो रही है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।